हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। दिस इज़ गुरपाल सिंह। एंड जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आज से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, वो स्टडी का ग्रुप जो नेक्स्ट सेशन है, जो सेकंड सेशन है, वो स्टार्ट होने जा रहा है। लास्ट सेशन से मैंने ये चीज़ जो है वो करनी स्टार्ट की थी। तो उसके रिगार्डिंग जो ग्रुप होगा, जो स्टडी होगी और जो पैटर्न होगा, उसके रिगार्डिंग एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़रूरी था। मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ एक मैसेज में लिख के आप सभी लोगों का वेलकम कर लूँ कि आप इस ये जो जर्नी है हमारी, ये 2019 जून नेट JRF एग्ज़ाम की जो जर्नी है उसके आप पार्ट बने हो और आप मेरे साथ प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हो। तो उसके लिए मैं ये इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर जो है वो मैंने बनाया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लास्ट ईयर भी मेरे साथ अटैच थे, जो इस ग्रुप के मेंबर हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो नए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ग्रुप का जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, जो हम स्टडी करते हैं, और थोड़ा अपने बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो किसी के थ्रू आए हैं या फिर बहुत सारे जो मेरे फेसबुक का जो ग्रुप था उसके थ्रू आए हैं। तो बेसिकली आप मेरे बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते, तो अगर आप किसी, मेरी ये ओपिनियन हमेशा रहती है, अगर आप किसी पर्सन के साथ अटैच्ड हो तो आपको उसके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो कौन है, क्योंकि ये जो सिस्टम है, मैं पर्सनली किसी को भी नहीं जानता अभी, बहुत कम स्टूडेंट होंगे ऐसे। तो मेरा ये बड़ा शॉर्ट सा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिसमें मैं अपने बारे में बताऊंगा और ग्रुप के बारे में बताऊंगा कि ये चीज़ जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम किस तरीके से स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं गुरपाल सिंह पंजाब से बिलोंग करता हूं और मैंने 3 बार जो है वो नेट क्वालिफाई कर रखा है और JRF भी क्वालिफाई कर रखा है। प्रेजेंटली मैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जो है उसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ, और मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब से एक रीजनल कॉलेज है वहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो शेयर या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक जो है वो मेरा PhD का टॉपिक रहने वाला है। तो लास्ट ईयर में मैंने 2 फेसबुक ग्रुप जो है वो क्रिएट कर रखे थे, Paper 1 के लिए और Paper 2 के लिए, जहाँ पे मैं MCQs जो हैं वो पोस्ट करता था, जो इम्पॉर्टेंट MCQs होते थे। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 2000+ MCQs जो हैं वो FB पे पोस्ट कर रखे हैं। तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनके मुझे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए कि आप क्यों नहीं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया और वो इनिशिएटिव मैं खुद भी नहीं सोच सकता, वो इनिशिएटिव इतना बड़ा रह गया कि मेरे लास्ट सेशन का जो ग्रुप था, जो व्हाट्सएप ग्रुप था, वो फर्स्ट ही था मेरा, इतने स्टूडेंट भी नहीं थे उसमें। तो उसमें से 14 स्टूडेंट्स ने नेट जो है वो क्वालिफाई कर लिया और उनमें से 4 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने JRF क्वालिफाई कर रखा है। तो उनकी डिमांड पे हमने इस बार फिर जो है ये चीज़ स्टार्ट किया। वैसे तो मैं अपने PhD के जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है सिनॉप्सिस में ही काफ़ी बिजी हूँ इन दिनों में, बट स्टिल कुछ ऑब्लिगेशन भी थी, कुछ उम्मीदें भी थी, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ जो है वो दोबारा स्टार्ट किया। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मेरे बारे में मैंने आपको दे दी, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो ग्रुप है हमने स्टार्ट किया। वैसे तो जितनी भी डिटेल्स हैं ग्रुप के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी, जब भी आपको मैंने फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन किया होगा या मेरी टीम के किसी मेंबर ने किया होगा, तो उसने आपको एक PDF जो है वो भेज दी होगी, वहाँ पे कुछ कॉन्टेंट्स लिखे होंगे कि मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूँगा। डेली बेसिस पे मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, डेली बेसिस पे मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूँगा, और उसके साथ ही मैं कुछ एक हर सब्जेक्ट के कुछ एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो यूजली सिर्फ PDF जो है वो पढ़ के नहीं समझ आते, तो उनके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो बना रखे हैं, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूँगा टाइम टू टाइम। और इसके साथ अगर आपको किसी भी तरीके की PDF जो है स्टडी करने में जो प्रॉब्लम आ रही होती है, तो मैं उसको भी सॉल्व आउट करूँगा और आप किसी भी टाइम पर मैसेज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हमारा जो शेड्यूल होगा वो क्या होगा। एवरीडे आई विल प्रोवाइड PDF एज पर आवर शेड्यूल एंड MCQs रिलेटेड टू दैट PDF बिटवीन 7 PM टू 8 PM। रोज़ 7 और 8 के बीच, इस टाइम के बीच में आपको जो PDF है वो प्रोवाइड किया करूँगा रोज। मैंने आपको ऑलरेडी 100 डेज का शेड्यूल जो है वो PDF की फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रखा है, उसमें मैंने डेट भी लिखी हुई है, उसमें मैंने डे नंबर भी लिखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मटेरियल्स जो हैं वो भेजता रहूँगा और आपको वो चीज़ पढ़नी होगी। और सबसे, और इस फर्स्ट पॉइंट के बाद मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ
कि अगर आप उस पीडीएफ को डीपली थॉरली अंडरस्टैंड कर लेते हो, उसको पढ़ लेते हो, आपको कोई भी और बुक या किसी भी और तरीके का कोई भी नोट्स जो हैं वो रेफर करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप मेरे साथ अटैच हुए हैं, कुछ सोच के हुए होंगे या फिर आपने रिजल्ट्स देखे होंगे या कुछ भी देखा होगा। तो ये कलेक्टिव स्कीम है एक, तो मेरी कोशिश क्या रहती है, जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं वहाँ से मैं कॉन्टेंट्स जो है वो या तो सेल्फ टाइप कर लेता हूँ या फिर उनकी जो कुछ इलस्ट्रेशन होती है या फिर कुछ होता है तो वो मैं अटैच कर देता हूँ साथ में। तो इस तरीके से अगर कोई बुक के पेजेस 500 या 600 हैं तो मेरी कोशिश रहती है उसको 50 या 60 70 इतने पेजेस में उसके जो बिल्कुल रेलेवेंट कंटेंट है फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं उस चीज़ को जो है वो जोड़ देता हूँ उस पीडीएफ में। तो फिर आपको सारी बुक जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको एक एक सोर्स भी बता सकता हूँ कि मैं कहाँ से चीज़ लेता हूँ, कहाँ से उठाता हूँ, कहाँ से मैंने नोट्स बना रखे हैं, मतलब कि ये किसी भी तरीके की कोई हाइड करने की चीज़ नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बता दी, और सेकंडली इसी वीक में मैं आपको जितने भी वीडियो ऑडियो वीडियो लेक्चर मैंने बना रखे हैं जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पीडीएफ में लिख रखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके मैं आपको ऑडियो वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड करूँगा, वो मैं आपको दे दूँगा उसके लिंक जो हैं, या पीडीएफ में उसके लिंक प्रोवाइड कर दूँगा या आपको इंडिविजुअली सभी को भेज दूँगा जितने भी हैं। तो थर्डली, आप किसी भी टाइम पे अगर आप पीडीएफ कोई ऐसी पढ़ते हो जिसकी वीडियो जो है वो नहीं अवेलेबल है, वो अभी तक मैंने नहीं बनाई है, कुछ ऐसा केस अगर आ जाता है तो, या फिर अगर आपको कोई किसी भी और तरीके की कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हो इन बिटवीन भी, तो आप जो है वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ये दोनों एडमिन हैं मेरे ग्रुप के, एक नंबर जो है मेरा, एक मेरे टीम मेंबर का है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो अभी आज फर्स्ट डे ही होने वाला है और 50 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को सब्सक्राइब कर चुके हैं, ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो सेपरेट ग्रुप बना रखे हैं मैंने, तो क्वेरीज़ जो हैं आपको पता है कि काफ़ी सारी क्वेरीज़ मुझे रोज़ के रोज़ आती हैं, तो क्वेरी हैंडलिंग का जो टाइम होगा मैं उसको जैसे ही मैं आपका मैसेज जो है वो देखूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसी टाइम पे आपको आंसर दे पाऊँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिले होता है तो वो एक दिन का हो सकता है, अदरवाइज़ मेरी कोशिश पूरी रहेगी, क्योंकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मतलब मेरा PhD का भी थोड़ा काम रहता है और साथ ही में मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं डेली बेसिस पे, मुझे बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो FB ग्रुप से रिलेटेड या कुछ और इस तरीके से मुझे क्वेरीज जो हैं वो आती रहती हैं। तो मैं आपकी क्वेरीज जो हैं स्टडी के रिलेटेड या किसी भी तरीके की, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको 100% एज सुन एज पॉसिबल इसको सॉल्व आउट करूँ। तो नेक्स्ट, मैंने सेपरेट ग्रुप बना रखे हैं, आप लोगों को पता ही है, अब ये लोगों की डिमांड थी, मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रखा है कि समटाइम कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टडी के लिए नहीं जुड़ते आपके साथ, जो सिर्फ इसीलिए जुड़ते हैं कि हमारे लिंक्स क्रिएट हों, मैं लोगों से बात करूं, मतलब कुछ लोगों की ऐसी जो है वो इंटेंशन होती है। तो लास्ट ईयर भी जो है मैंने कुछ एक ग्रुप्स में जहाँ पर मैं ऐड था वहाँ पर मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, तो हमारा कलेक्टिव स्कीम, हमने ये चीज़ सोची है अब कि हम दो डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो बनाएंगे। तो इसमें एक और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है आपको कि समटाइम जैसे मैंने कोई ना कोई ग्रुप में चीज़ पोस्ट कर दी और उसके बाद आपने उस चीज़ को एक या दो घंटे नहीं देखा तो इसी दौरान कुछ एक और स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे मैसेजेस कर दिए, तो फिर जो मैंने मैसेज भेजा होता है या फिर जो मैंने PDF जो है वो भेजी होती है तो आपसे स्किप हो जाती है। तो मैंने इसका भी रिज़ल्ट फाइंड आउट किया हुआ है, डिफरेंट ग्रुप्स बना रखे हैं, दोनों में आपको ऐड कर रखा है, और एक में मैं सिर्फ एडमिन ऑनली कर रखा है जहाँ पे सिर्फ मैं मैटर भेजूँगा और दूसरे में आप भी मैसेज भेज सकते हो, तो मैटर मेरा भेजा हुआ दोनों में सेम ही रहेगा। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो है वो सेपरेट जो है वो मतलब हमने ग्रुप बना रखे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम जो है वो अराइज़ ना हो, तो इसीलिए जो उनकी टोटल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होकर 50 प्लस हो चुकी है। तो ये चीज़ जो है वो मैंने बहुत ध्यान में रख के बनाई है, क्योंकि जो गर्ल्स वाला ग्रुप है वो बेसिकली मेरे क्लीग्स हैं वो भी हैंडल करेंगे और साथ में मैं भी हैंडल करूंगा, क्योंकि इस टाइम काम कुछ ज़्यादा होने वाला है।
तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग रेगुलरली उस चीज़ को स्टडी करें जो मैं आपको दे रहा हूँ, और उसके साथ रिलेटेड MCQs को डेली बेसिस पे आप सॉल्व करें। अगर आप ये करते हो तभी आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप नेट या JRF जो है वो क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको आज फर्स्ट डे आज के दिन ही बता देना चाहता हूँ। मैं जितने भी एफर्ट्स करता हूँ उतने ही एफर्ट्स मुझे आपके भी चाहिए, ये कलेक्टिव एफर्ट है। अगर मैंने आपको चीज़ दे दी और आपने ये सोच लिया कि चलो सर ने हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर दी है और हम चाहे अब लास्ट मंथ में स्टडी क्यों ना करें, क्योंकि हमें शॉर्ट मैटर तो मिल ही चुका है। एक जो बुक है वो 1000 pages की थी, वो हमें 100 pages में एक्सप्लेन करके सारा कंटेंट मिल चुका है, मैं तो कभी भी पढ़ सकता हूँ। ये चीज़ कभी भी नहीं सोचनी, जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको डेली बेसिस पे उसको अंडरस्टैंड करना होगा, उसको पढ़ना होगा, उसके साथ रिलेटेड MCQs जो हैं उसको स्टडी करना होगा। आई मीन टू से एटलीस्ट 2 to 3 hours यू हैव टू स्पेंड डेली फॉर योर स्टडी। तो नेक्स्ट मैं रेगुलरली आप लोगों से इंटरेक्ट करूँगा, वीकली बेसिस पे हो सकता है, और किसी भी तरीके से मैं आपको इंटरेक्शन करूँगा, आपको मैसेजेस कर सकता हूँ, और कोई भी आपको मैसेजेस नहीं कर सकता मेरे अलावा। देन आप हमेशा इस ग्रुप से जुड़े, मेरे साथ जुड़े हो, आप हमेशा सेफ हो, क्योंकि आपकी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं होगी, और आपको कभी भी किसी भी तरीके का कोई अनवांटेड कॉल्स, कोई भी अनवांटेड मैसेजेस जो है वो नहीं आएगा अगर आप इस ग्रुप से जुड़े हो। ये 100% सेफेस्ट ग्रुप है। मैं सिर्फ उसी, मेरा ये कोशिश नहीं रहती कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ जाएं और हम इतना ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर लें कि हम एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखें। मेरी ये कोशिश नहीं, मेरी ये कोशिश रहती है हमेशा कि चाहे आप कितने भी हों बट सिर्फ डेडिकेटेड हों। मैंने जिस भी स्टूडेंट के साथ बात की है, जो भी स्टूडेंट इस ग्रुप में ऐड हुआ है, वो स्टडी की इंटेंशन से ही ऐड हुआ है, और किसी और तरीके की इंटेंशन से वो ऐड नहीं हुआ है। तो मैं जितना मुझसे एफर्ट्स होते हैं मैं डेली बेसिस पे वो करता रहूँगा, और आप हमेशा अपने आप को यहाँ से फील सेफ जो है वो फील समझो, एंड आप रेगुलरली इस चीज़ को स्टडी करो जो भी मैं आपको मैटर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और लास्ट में पेपर वन का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे बारे वो पूछ रहे हैं कि पेपर वन जो है इसका हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें कोई बुक जो है वो रेफ़र करनी चाहिए, कुछ करनी चाहिए। मेरी जो परसेप्शन है वो पेपर वन के लिए जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं आपको पेपर वन की एक छोटा सा एक दो मिनट की एक चीज़ बताना स्टोरी सी बताना चाहता हूँ इसके बारे में। मेरे एक फ्रेंड हैं सत्य नारायण जी, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, वो पेपर वन में बहुत ज़्यादा वीक थे। तो उन्होंने दो तीन अटैम्प्ट जो हैं वो कर रखे थे हमेशा। उनका वो किसी उनका जो सब्जेक्ट है वो कोई लैंग्वेज है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम पे क्या किया, उन्होंने जो है वो उन पेपर वन की वजह से रह गया। सेकंड पेपर उनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, मतलब उसमें 60% तक वो चले जाते थे। तो अगली बार फिर रह गया। तो मुझसे इंटरेक्शन उनकी होती रहती थी, तो उन्होंने मुझे एक बार बताया कि सर मैं पेपर वन में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं क्या करूँ। तो हमारी बात जो है वो रेगुलर बेसिस पे होती रहती थी। तो हमने कुछ एक स्ट्रेटजीज बनाई, कुछ एक चीज़ें की। तो अब वो पर्सन JRF है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ पेपर वन में उनके सिर्फ 25 questions जो हैं वो सही थे, सिर्फ 25। और कैन यू बिलीव कि पेपर टू में उनके कितने क्वेश्चन सही थे, 86 questions। तो ये इसी बार यही जो अटैम्प्ट होके हटी है अभी इसी टाइम पे, जो एग्ज़ाम होके हटा है, जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, उसमें उन्होंने JRF क्वालिफाई किया पेपर वन में सिर्फ 25 एंड पेपर टू में 86। तो मैं अपनी ओपिनियन बताता हूँ पेपर वन के बारे में। देखिए मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, अगर कोई भी पर्सन आपको कहता है कि मैं आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको पेपर वन की प्रिपरेशन जो है वो करवा दूंगा, मैं आपको ऐसा मटेरियल भेजूंगा जहां से 100% है कि इसमें से इतने क्वेश्चंस जो हैं वो आ ही जाने हैं, और ये जो है ये जो मैटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये मतलब कि कोई भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। आप हमें हमारी फीसेस 2000 या 5000 या 10000 लोग देते हैं,
मैंने ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को, स्टूडेंट जो हैं वो इतने इतने पैसे देते हैं इसके लिए, बट मेरी ओपिनियन ये है कि पेपर वन आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, पेपर वन की सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा सकता और कुछ नहीं हो सकता। देखिए आपका पेपर टू जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, पेपर वन जो है वो आप क्वालिफाइंग भी रख सकते हो, आप टारगेट लेके चलना होता है आप लोगों को। देखिए 28 to 33 इतना एटलीस्ट टारगेट रख लो, आप जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो तो 60% अगर आप पेपर वन से निकाल लेते हो तो आपका पेपर टू स्ट्रांग है, अगर 65 to 70% यहाँ तक चले जाते हो तो आराम से आप GRF क्वालिफाई कर सकते हो। और पेपर वन के ये जो 28 to 33 जो ये जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये टारगेट को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती, मैंने इस चीज़ को पर्सनली एक्सपीरियंस कर रखा है कि आपको कुछ एक टॉपिक्स में खुद को एक्सेल करना होता है, कुछ एक टॉपिक्स में, तो उन टॉपिक्स में खुद को एक्सेल करने के लिए आपको कोई भी मैटर जो है वो एक्सपर्ट नहीं बना सकता, आपकी खुद की प्रैक्टिस जो है वो आपको आगे बढ़ा सकती है, अदरवाइज जो है वो ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मेरी ओपिनियन पेपर वन के रिगार्डिंग ये है, क्योंकि आप देख लीजिए अगर आप पेपर वन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो आपका पेपर टू जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, डेली एक दो घंटे अगर आप स्पेंड कर पाते हो तो पेपर वन की सिर्फ मेरे ख्याल से आपको प्रैक्टिस ही करनी चाहिए और जो पेपर टू है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि पेपर टू जो है वो प्री डिफाइंड है कि यहाँ यहाँ से इतना इतना आना है। जैसे मैं हूँ, मैंने मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि पेपर टू में से कौन से पॉइंट में से कहाँ से वो चीज़ें उठा सकते हैं, तभी तो हम ये चीज़ चला रहे हैं। तो जो पेपर वन है उसकी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं होती, मैं आपको सीधे सीधे बोल देता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल सी बात है, आप कॉन्स्टिट्यूशन मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, एक बड़ी छोटी सी बात है, 395 के करीब जो है वो आर्टिकल्स हैं, तो ये चीज़ जो है वो आप सारा थोड़ी पढ़ने बैठोगे, ये तो सिंपल सी बात है। और मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ ये, और इसके लिए लोग कहते हैं कि हम आपको बड़े शॉर्ट नोट्स दे देंगे, वो तो पता ही नहीं कि आपको राज्यसभा के बारे में पूछ लेंगे या लोकसभा के बारे में पूछ लेंगे या फिर पंचायती राज के बारे में पूछ लेंगे, कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते आप, तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको स्ट्रेटजी जो है वो बनानी पड़ती है, आपको कुछ एक जोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए जहाँ से आप 28 to 33 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर पाऊँ। जैसे कि एक कुछ एक बुक्स हैं RS अग्रवाल, वहाँ उस बुक से अगर आप रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो और अभी आपके पास तीन से लेकर 4 मंथ जो हैं वो पड़े हैं, तो अगर आप रोज़ का 1 घंटा भी स्पेंड करते हो तो आप एक ईजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 to 18 क्वेश्चन तो मेरे वहीं से सही हो जाने हैं। तो बची बात जो है वो है पैसेज की, पैसेज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई आप अपने दिमाग से खुद सोचो, कोई आपको बता सकता है कि कौन सा पैसेज आएगा? कोई नहीं बता सकता है, लोग ऐसे ही दूसरों को कह देते हैं कि आप हमें इतने चार्जेस दे दो, हम आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं आप लोगों को। तो मेरा जो स्ट्रेटजी वो ये थी कि दी हिंदू न्यूज़पेपर, आप सभी ने उसका नाम सुना होगा, उसका जो ओपिनियन का पेज होता है उसका आर्टिकल पढ़ो रोज़ डेली बेसिस पे, 10 से लेकर 15 मिनट आपको लगेंगे। तो जब वो आप पढ़ते हो तो पढ़ते 1-2 मंथ में आपकी स्पीड इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी कि आप चीज़ों को समझने लग पाओगे। तो ये प्रैक्टिस होती है, तो आई मीन टू से कि पेपर वन जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस के बेस पे ही सॉल्व आउट किया जा सकता है, और आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करो। मेरे पैसेज में आई थिंक सारी क्वेश्चन जितने भी थे वो सही थे, तो कोई और बुक तो आपको बता नहीं सकती ये चीज़, तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। और कुछ एक जोन्स जैसे रिसर्च पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है पेपर वन के लिए भी और पेपर टू के लिए भी, हमारा जो कॉमर्स का स्ट्रीम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, तो रिसर्च में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएं। तो इस तरीके से मेरी
मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए और आप उस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो ज़्यादा ना अब मैं इस चीज़ को कहते हुए मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, अब आप कंटिन्यूसली मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको डेली बेसिस पे जो मैटर जो है वो बताता जाऊँगा और आप उस चीज़ को स्टडी करते जाएँ, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएँ। मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं इसके रिगार्डिंग, वेबसाइट में मैं इसको पोस्ट करूँगा इन सारे MCQs को, जिसमें आप जैसे आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठे होते हैं वहाँ पर आप एग्ज़ाम जो है वो करते हैं, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करते हैं, मैं वेबसाइट में ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पोस्ट कर दिया करूँगा और आप उसको ऑनलाइन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस स्किल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी। तो आप इस चैनल मेरा जो ये जो वीडियो है इसको शेयर कर दीजिए अगर आप इतना कर सकते हैं तो। और लास्ट में मैंने लिंक दे रखा है फेसबुक के ग्रुप में, जहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पोस्ट कर रखे हैं ऑलरेडी। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दैट एंड वेलकम टू यू ऑल अगेन इन आवर जर्नी।